दिया फूल। जल्दी दिखाओ बाल, देखो मेरे बाल। अच्छी नहीं लग रही? मुझे लग रही है मैं बुरी कम लगती हूँ। हाय गाइस, तो इस क्लिप में सुरभि राठौर जो है काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हैं एंड उनके हाथ में जो है फ्लोर भी है। एंड गाइस, तो सुरभि राठौर एंड मोहक नारंग से रिलेटेड जो है मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, क्योंकि गाइस फाइनली जो है मोहक नारंग ने कुछ रिएक्ट किया है। एंड गाइस, उसके बाद जो है सुरभि राठौर ने जो है रिएक्ट किया है। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपको जो है सुरभि राठौर की स्नैपचैट स्टोरी दिखा देती हूँ। एंड गाइस, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि सुरभि राठौर के हाथ पर जो है कैसे लगी थी। एंड गाइस, अब सुरभि राठौर ने स्नैपचैट स्टोरी पर बताया है कि उनका हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया है एंड उन्होंने जो है अपनी पट्टी भी उतार दी है एंड बहुत जल्द जो है वो जिम जाना भी स्टार्ट कर देगी फिर से। और गाइस, इसके अलावा सुरभि राठौर ने नया हेयर कट जो है करवा लिया है और गाइस उनके हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बोला है कि उनकी मम्मी जो है उन्हें मे भी हो सकता है कि डांट लगा सकती हैं। और गाइस, इसके अलावा सुरभि राठौर जो है पीयूष से काफ़ी टाइम बाद में मिली हैं, तो सुरभि राठौर एंड पीयू जो है काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही हैं एंड पीयू ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो सॉफ्ट टेडी बियर होते हैं उनके नाम जो है रखे हुए हैं, तो गाइस वो जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा खेल रहे थे एंड गाइस सुरभि राठौर जो है काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। तो चलिए गाइस, अब मैं जो है आपको वो इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ कि मोहक नायक ने जो है क्या जो है रिएक्ट किया था। मोहक नायक ने एक रील बनाई थी फ्रॉम डाई फॉर यू से लेकर हेटलेस तक, तो गाइस सेम जो है वो रील सुरभि राठौर से रिलेटेड थी एंड गाइस काफ़ी सारे से कमेंट भी आए थे और गाइस वहीं जो है सुरभि राठौर ने ये रील देखी थी, इसलिए गाइस उन्होंने भी जो है एक अपने फैन मेड के थ्रू जो रील सेम बनाई हुई रील थी वो अपनी स्टोरी पर शेयर भी की थी। गाइस इसके अलावा रिएक्ट में जो है सुरभि राठौर ने एक रील भी बनाई थी, तो चलिए गाइस मैं आपको वो थोड़ी सी रील दिखाती हूँ। गाइस कैप्शन में जो है सुरभि राठौर ने डाला भी था नाइफ एंड 100% ट्रूथ, मतलब कि गाइस सुरभि राठौर को भी पता है कि मोहक नायक जो है उन पर नज़र रखते हैं, इस गाने का मतलब तो यही होता है। एंड गाइस आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।